और जानकारी शेयर करूं तो ये फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड सीईओ स्मार्ट सॉफ्ट इंडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में हैं। साथ के साथ अगर डायरेक्ट सेलिंग के ही बात करता हूं तो इनका 20 ईयर्स से ज्यादा एसोसिएशन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में है। फ्रेंड्स, इनको आप ये भी कह सकते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग लॉ तैयार किया गया जो भारत सरकार में जिसके अंदर में आके हम सब लोग आज बिजनेस को अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से समाज के सामने सिर ऊंचा करके रखते हुए अपने बिजनेस को कर पा रहे हैं, तो उस लॉ को तैयार करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप ये कह सकते हैं कि उस लॉ का ये आर्किटेक्ट रह चुके हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ में इनवाइट करना चाहेंगे हमारे सेकंड स्पीकर श्री किशोर वर्मा जी को सबके स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में। प्लीज जोरदार तालियों के साथ में हमारे कंपनी वाइस चेयरमैन मिस्टर संजीव वर्मा सर को, ताकि किशोर सर का यहाँ पे हम स्वागत कर सके। शाम को ये गेट उसी के लिए खुलेगा जिनके हाथ लाल होंगे, नहीं तो अंदर रोक लिया जाएगा। तो देख लीजिए एक बार जोरदार तालियां। एंड सर प्लीज ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Thank you very much for giving me this opportunity. Let me begin with congratulating the management of Smart Value for an awesome achievement. Having a 2 lakh plan on a weekly payout, the business running in a good growth for 23 years. ओके, मैं स्मार्ट वैल्यू कंपनी मैनेजमेंट को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं। 2 लाख वाली प्लान वीकली पे आउट इस मॉडल पे 22-23 साल इतना सक्सेसफुल करना ये कोई मामूली बात नहीं है। और मैं एडवांस कंग्रेचुलेशन कह रहा था अपनी सिल्वर जुबली का। और स्मार्ट वैल्यू एक रोल मॉडल होना चाहिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अचीवर्स हम इस देश को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। आल्सो कंग्रेचुलेट एंड थैंक मिस्टर रेड्डी सर एंड द मैनेजमेंट ऑफ स्मार्ट वैल्यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच सर। मैं मानता हूं आप सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा खासा लेवल में अचीवर्स हैं, लीडर्स हैं, और सबका हंड्रेड्स ऑफ टीम्स होंगे। आप रोज ट्रेनिंग देते हैं, मन से बात करना, पब्लिक स्पीकिंग में आप सबका अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे से कोई छोटा मोटा गलती हो आप माफ़ कर दें, क्योंकि मैं मन से बात करने वाला नहीं हूँ। मैं एक्चुअली IT हूँ और मैं पर्दे के पीछे काम करने वाले। मैं साल में एक या दो बार मंच पर आते हैं, तो अगर छोटे मोटे गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे आज मौका मिला है यहाँ पे आप सबके सामने बात करने का। कृष्णमूर्ति जी और रेड्डी सर ने ये रिक्वेस्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग का जो स्थिति है इंडिया में और कानून क्या कहता है, कानून के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, जरा ये हमारी टीम को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। सो मेरे पास इतना जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, सो आप सभी 5, 10, 15, 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। हर साल इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे? यस सर। यस, अभी लेटेस्ट हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग की रूल्स आई है 2021। कितने लोग जानते हैं? नॉट इवन 10। आपको जानकारी है रूल्स आया? यस। तो आपने कभी पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं दिखाया?
नहीं दिखाया है। नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ना ये रूल्स क्या कहता है आपको सबको समझना जरूरी है। मेरा सजेशन है आप सब लोग डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में मिलता है, सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। वो हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लिए एक बाइबल है हमारे बिजनेस के अंदर। इस रूल से हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए साफ साफ कहता है। तो कानून आने तक हम बहुत लड़ रहे थे, कानून आने के बाद अब लड़ना नहीं है, हम उसको निभाना है। ये मेरा सजेशन है। मैं इसलिए इतना सजेस्ट कर रहा हूं, देखिए कोई चीज अगर बिना जाने करते हैं वो क्या कहते हैं मिस्टेक, जानने के बाद आप करते हैं इट इज रॉन्ग, जानते हुए बार बार करते हैं इट्स ए क्राइम। हमको क्या करना चाहिए, हम गलती से एक बार कर सकते हैं, जानने के बाद नहीं करना चाहिए। Am I right? Yes, sir. So, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरे से ज्यादा आप ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, रोज हंड्रेड्स ऑफ लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं, आप समाधान भी करते हैं। थीरी क्या कहता है मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को अगर आप डिटेल पढ़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तीन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। एक है सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक सेट ऑफ लॉ के अंदर बनाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, इसके आगे कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। सेकंड है डायरेक्ट सेलर्स, जो हम इंडिविजुअल्स हैं। वी आर गवर्न बाय ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक व्यक्ति सामने से अपनी इंटरेस्ट से डायरेक्ट सेलर बनकर हम अपने केवाईसी करते हैं, डायरेक्ट सेलर के एग्रीमेंट एक्सेप्ट करते हैं, फिर कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और हमारा काम है नया कस्टमर्स को लाना और सेल बढ़ाना। तीसरा है कस्टमर। एक कस्टमर है जो इंडिविजुअल है, वो आएगा हमारी बात पे मान के प्रोडक्ट खरीदेगा जाएगा, उससे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ये बिजनेस इतना सिंपल है, ये रोज हम करते हैं लेकिन थ्योरेटिकली कभी अप्रोच नहीं लगाते हैं, और ये थ्योरेटिकल अप्रोच भी लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब ये तीनों अपनी अपनी रोल जो है अच्छी तरह कानून की तरह निभाते हैं, इस बिजनेस में कभी कोई समस्या नहीं आएगा। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी सहूलत के लिए हम कुछ जुगाड़ में काम कर लेते हैं, वही अपना प्रॉब्लम का पहला फोकस पॉइंट। इसके लिए मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। हमारे बिजनेस में जैसा बाकी बिजनेस में भी है, सक्सेस रेट कम है। जो लोग सक्सेस हुए हैं वो फेमिलियर होते हैं, फेमस होते हैं, पब्लिक फिगर हो जाते हैं और हमारे लिए एक रेफरेंस स्टोरी बन जाते हैं। लेकिन जो फेल हो जाते हैं वो सबसे पहले क्या करता है, अपना फेलियर वो कभी नहीं मानता, वो सामने वाले पे डाल देता है। मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को चीट किया, मेरे को मानने, मेरे को बेवकूफ बनाया, ये बोलते हैं। कारण क्या है, इट्स ए ह्यूमन एटीट्यूड, नो वन एक्सेप्ट देयर फेलियर, ठीक है। और इस तरह चीज़ों पे कभी अपलेन भी डर जाते हैं, नया नया लोगों से मिलना, किसी को मोटिवेट करना या बिजनेस एक्सप्लेन करना, क्योंकि पता नहीं कल क्या मुसीबत आ जाएगी। हमारे कानून में इसकी अंदर एक बहुत अच्छा रिलीफ दे रखा है, ठीक है। जैसा मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, कस्टमर, ठीक है, इज अ वेरी की पॉइंट यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। कोई भी डायरेक्ट सेलर एक नया कस्टमर को लाता है कंपनी को और प्रोडक्ट बेचता है। जो कस्टमर है एक बार, दो बार, तीन बार जो प्रोडक्ट बार बार खरीदता है, अगर वो कुछ संतुष्ट है, अगर वो भी सिस्टम में पार्टिसिपेट करके वो भी इनकम बनाना चाहता है, सामने से मांगने से डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा।
एक कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर बनने में अपलाइन का कोई कंट्रीब्यूशन थ्योरेटिकली तो नहीं है। यू गॉट माय लॉजिक? समझ गए ना? जैसा इंश्योरेंस बिजनेस में होता है, इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट टू सोलिसिटेशन। आपने पढ़ा होगा ये सेंटेंस? यस सर। इसका अर्थ आप समझते हैं? इंश्योरेंस कोई भी पॉलिसी कोई आपके पास आके नहीं बेचेगा, आप सामने से मांगने से दिया गया है। ये सच्चे झूठे वो अलग अलग बात है, बट दिस इज हाउ द इंश्योरेंस बिजनेस हैपेंस। सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट इन डायरेक्ट सेलिंग आल्सो। हर एक अप्लाइंट अपनी कस्टमर को लाएगा, प्रोडक्ट बेचेगा, अगर प्रोडक्ट से वो संतुष्ट है, वो भी आगे बेच के कमाना चाहता है, सामने से मांगने से डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाएगा। You have to understand this theoretical approach. Yes. Agree with you? Yes, sir. Yes, sir. Right. Then, direct selling में आज जो सरकार, जब से यह नया सरकार बना, बहुत हाई लेवल पे जो प्रमोट कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, डिजिटल इंडिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वुमन एम्पावरमेंट और दिस काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये तो हमारे इंडस्ट्री बरसों से कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इंडिया में जितना पैन कार्ड बनवाया, जितना बैंक अकाउंट नहीं बनवाया, जनधन भी नहीं बनवाया। दिस इज अवर अचीवमेंट। मतलब जो आज सरकार जाके कर रहा है वो हम बरसों से कर रहे हैं। यस। सो आवर इंडस्ट्री हैज ए वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू दिस नेशन। जब अपन हमारी इंडस्ट्री की पहचान बनाने के लिए सरकार के साथ जो एडवोकेसी कर रहे थे, ये सारे चीजें हमने डेमोशन कर 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 रखा है। आप FDIC के बारे में कितने लोग जानते हैं, कभी सुना होगा? तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हम करते करते हर कोने कोने तक, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर मिनिस्ट्री, एवरीवेयर, वेयर एवर वी गो, हमको एक ही सुनने में आता है कि आपकी इंडस्ट्री फ्रॉड है। क्यों? कारण ये है, इस बिजनेस में अच्छे बुरे होते हैं, सभी इंडस्ट्री में होते हैं, लेकिन जितने लोग नुकसान या धोखेबाजी हुआ वो सरकार को कंप्लेंट करते थे, पुलिस से लेके DC तक। तो सरकार के पास केवल नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जितने लोग इसमें सक्सेस हुए, अपने रोजगार बनाया, जिंदगी बनाया, वो थोड़ी पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करते हैं कि मैं इससे इतना कमाया हूँ। सो सक्सेस स्टोरीज आर नोवेयर इन द गवर्नमेंट यू। Then we have started filling up this gap from that angle. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो हमारी गाइडलाइन बना 2016 में या 21 में रूल बना, इतना आसानी से तो नहीं बना। There was a big war happened behind it. And ये करते करते हमारे अंदर भी जो गलतियाँ हो रहे हैं हमको भी जानने को मिला, वो सब कवर करते करते हम लोग 2016 में पहला गाइडलाइन दिया सरकार ने, बाद में 21 में रूल। अब रूल बनने के बाद क्या हम फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं? नो। कानून तो दे दिया सरकार, अब निभाना हमारा काम है। अगर हम नहीं निभाएंगे कौन निभाएंगे? जैसा हर इंडस्ट्री में अच्छे बुरे होते हैं, हमारे इंडस्ट्री में भी है, लेकिन ज्यादा है। कारण क्या? नोवन बॉर्डर्स। आप सभी जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, ये सेल्फ डिसिप्लिन है, राइट? Yes, sir. Now, we also should have another responsibility of abiding the law. We have to respect our law of land. And I promise you, as long as you respect the law, you will be always protected and you will be always successful in it. आपके सामने बहुत सारे मुसीबतें आएंगी, there is no doubt about it. But when you know the law, when you know your rights, when you know what to do, what not to do, you will have that courage to fight. Am I clear? Yes. Now, mera suggestion hai, aap sab log direct selling ka rules ka document download kar lijiye, apne company se le sakte hain. Har cheez aap padhiye, ek direct selling company क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक डायरेक्ट सेलर
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए साफ साफ कहा है उसके अंदर। अब जितना जल्दी इसको आप फॉलो करेंगे आप उतना कॉन्फिडेंट बनेंगे और बिजनेस करने का हिम्मत आपको आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये सारी चीजें हमने जानी जिससे कि हम आगे अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से कर पाए। लेकिन अब सर का हम थोड़ा सा गौर सम्मान करना चाहेंगे। सर को स्मार्ट वैल्यू की तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं एज अ गिफ्ट। तो एक बार छोटा सा तालियों सर के लिए। जोरदार तालियों सबको जोरदार तालियों। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है हमने आज हमारे बीच में जो मौजूद थे दो गेस्ट हमने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जानी और काफ़ी